हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में आपका स्वागत है। AKGS ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैं आया असम का, जो बात आता है तो आपको मालूम है असम का टी बहुत फेमस है। इसके लिए मैं आप सबको आज बहुत बड़ा एक टी गार्डन दिखाने के लिए कोशिश करूँगा, जो बहुत अच्छा टी गार्डन है। वो काफ़ी बड़ा गार्डन है, आप देख सकते हो, एकदम पूरा नेचुरल ग्रीनी है हर तरफ। और इधर बहुत अच्छा चाय पात मतलब मिलता है, उधर बाजू में मिल भी है। इधर से चाय पात पत्ती तोड़ के, ये जो पत्ती देख रहे हैं आप, इसको तोड़ के, ऐसा तोड़ के उसको मिल में लिया जाता है। तो आपको आज दिखाता हूँ ये सारे बगान चाय का जो पत्ती है, नज़दीक से आपको दिखाऊंगा। और ये काफ़ी बड़ा इलाका है जो चाय की बगानी है, सारे तरफ आप देख सकते हैं। तो ये देखिए आप, चारों तरफ चाय का ही है, जो आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। हर तरफ चाय की बगान है, दूर दूर तक ही चाय का ही है। बीच में झाड़ जो रखता है, वो चाय में ज़्यादा धूप लगने की वजह से बीच में झाड़ उगाया जाता है, जाते उसको छाया पड़े। और बारिश का भी ज़्यादा पानी, बारिश का भी प्रॉब्लम की वजह से झाड़ रहता है, जब पानी ज़्यादा गिर नहीं सकता। ये देख सकते हो घर तरफ चारों तरफ है। ये मेरा बुलेट है, बुलेट लेकर आया बहुत दूर से, काफ़ी डेढ़ घंटा तो ड्राइव किया है, उसके बाद इधर आया है, आप देख सकते हो। असम का चाय तो आप सबको जैसे मालूम है बहुत फेमस है। असम का नाम आएगा तो बाहर देश में चाय के लिए जाना जाता है, पूरा बाहर में भी काफ़ी नाम है, चर्चा है असम का चाय का। आप देख सकते हो ये सब सारे जो चाय झाड़ देख रहा है, बीच में जो बड़ा बड़ा झाड़ दिख रहा है, वो चाय का ऊपर बारिश ज़्यादा नहीं गिरने की वजह से, और धूप जो धूप होता है ना, वो चाय का पत्ती में ज़्यादा नहीं लगे, कारण वो जल जाता है। और बारिश का पानी भी ज़्यादा स्पीड में गिरेगा तो प्रॉब्लम है, इसके लिए बीच बीच में झाड़ लगा के रखता है। आप देख सकते हो ये सारे चाय का बगान, ये काफ़ी बड़ा इलाका है चाय का। इस तरफ से उधर लोग काम कर रहा है, लेकिन उधर बीच में है, मैं अभी जा नहीं पाऊँगा। उधर बीच में ये साइड में लोग पत्ती तोड़ रहे हैं। इधर बीच में रास्ता है गाड़ी उड़ी जाने के लिए, चाय का पत्ती लेके आता है जो गाड़ी लोरी वगैरह जाने के लिए, बीच में बढ़िया सा रास्ता है, काफ़ी अच्छा भी है। और चाय का गार्डन का बीच में जो ये नाला है, आप देख सकते हैं, ये नाला को रखा जाता है बारिश का पानी निकालने के लिए। जो बारिश का पानी अगर इधर जमा होता है तो चाय का जो झाड़ी है वो ख़राब हो जाता है। इसके वजह से बीच बीच में ऐसा नाला खोद दिया गया, जो पानी जो बारिश का पानी जमा होता है वो आसानी से निकालने के लिए इस तरह से नाला खोदा जा रहा है, मतलब नाला खोद के रखता है, जो पानी आसानी से निकल जाए। क्योंकि पानी जमा होगा तो झाड़ का झाड़ ख़राब हो जाएगा, इसके लिए पानी निकालने के लिए जब देना। अभी इधर काम चल रहा है, आप देख सकते हैं लोग काम कर रहा था, अभी ये सफा कर रहा था।